फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का दहन किया जाता है। इस बार 100 साल के बाद में होली महापर्व पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा और ये चंद्र ग्रहण 5 राशियों के कैरियर, नौकरी और उन्नति में लाभदायक, प्रगतिदायक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 100 साल के बाद में होली महापर्व पर चंद्र ग्रहण का साया इस बार रहने वाला है। ग्रहण के साये में होली का दहन किया जाएगा और होली मनाई जाएगी। 24 मार्च को रंग वाली होली होगी तथा 25 मार्च को होली खेली जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि सन 1924 में भी होली के दिन चंद्र ग्रहण लगा था। हालांकि ये जो चंद्र ग्रहण होगा ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, माध्य चंद्र ग्रहण होगा और यह ग्रहण भारत में कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। यह ग्रहण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में आदि अनेक पश्चिमी देशों में दिखाई देगा, लेकिन राशियों के ऊपर इसका व्यापक प्रभाव होगा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 24 मार्च 2024 रविवार की सुबह 9:47 से हो जाएगा, जो कि 25 मार्च की सुबह 11:53 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी और भद्रा काल का आरंभ 24 मार्च 2024 रविवार की सुबह 9:47 से हो जाएगा, जो कि रात को 10:50 पर भद्रा काल समाप्त होगा। भद्रा काल एक प्रकार का अशुभ समय माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक होता है श्रावणी और दूसरा होता है फाल्गुनी। श्रावणी का अर्थ होता है रक्षाबंधन यानी राखी बांधना और फाल्गुनी का अर्थ होता है होली का दहन करना। यदि भद्रा काल के समय में, भद्रा के समय में होली का दहन किया जाए तो राष्ट्र का विनाश होता है, देश का विनाश होता है, राज्य का विनाश होता है, गांव का विनाश होता है, नगर का विनाश होता है। इसलिए कभी भी भद्रा काल में होली का दहन नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ प्रमाणों में यह भी बताया गया है कि प्रदोष काल में यानी शाम के समय 6:33 से 7:53 के बीच में भद्रा का पुच्छ काल रहेगा और पुच्छ काल के दौरान होली का दहन कर सकते हैं और रात्रि का जो समय है वो भद्रा का मुख्य समय रहेगा, वो शाम को 7:53 से लेकर के 10:06 तक रहेगा। इस बार प्रदोष काल में होली का दहन रहेगा। इसलिए यदि आप हमारे मत के अनुसार होली का दहन करना चाहते हैं तो आप 24 मार्च 2024 रविवार की रात को 11:13 से लेकर के 12:27 तक होली का दहन कर सकते हैं या अगली सुबह यानी 25 मार्च को जब 6:30 सूर्योदय होगा उसके पहले पहले आपको होली का दहन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसा बताया हुआ है कि कभी भी चतुर्दशी तिथि में होली का दहन नहीं करना चाहिए, कभी भी दिन में होली का दहन नहीं करना चाहिए और प्रतिपदा तिथि में भी होली का दहन नहीं करना चाहिए। तो होली का दहन के लिए पहला जो मुहूर्त रहेगा, पहला जो समय रहेगा वो 24 मार्च 2024 रविवार की रात को 11:13 से लेकर के 12:27 तक का समय रहेगा या फिर अगली सुबह यानी 25 मार्च को सुबह 6:30 के पहले पहले आपको होली का दहन कर लेना चाहिए। दोनों प्रमाण एकदम सटीक है, इसलिए इन समय में आप होली का दहन कर सकते हैं। होली का दहन हमेशा रात में ही किया जाता है, इसलिए 24 तारीख की रात में होली का दहन होगा और 25 मार्च सोमवार के दिन रंग वाली होली खेली जाएगी। इस बार 25 मार्च 2024 सोमवार के दिन होली पर उपछाया चंद्र ग्रहण रहेगा, जिसका पहला स्पर्श काल भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:24 तक रहेगा और इसका परम ग्रास दोपहर 12:43 पर रहेगा और उपछाया से अंतिम स्पर्श काल दोपहर 3:01 तक रहेगा। इस चंद्र ग्रहण की अवधि 4 घंटा और 36 मिनट रहेगी। हालांकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है,
इसलिए इसको ज्योतिष शास्त्र में मान्यता नहीं दी गई है। इसे माध्य चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। भारत में यह ग्रहण कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल, पुण्यकाल, पर्वकाल आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। आप निर्धारित समय के अनुसार पूजन पाठ इत्यादि कर्म कर सकते हैं और गर्भवती माताओं बहनों को भी इस ग्रहण से डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। होली पर पांच राशियों के लिए यह चंद्रग्रहण बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाला सिद्ध होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी घटनाक्रम घटित होता है उसका व्यापक असर इस पिंड के ऊपर, शरीर के ऊपर अवश्य ही होता है। यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर, चाहे राशियों का, ग्रहों का परिवर्तन हो या ग्रहण हो या अन्य कोई भी घटनाक्रम घटित हो, तो शरीर के ऊपर उसका व्यापक प्रभाव देखने को अवश्य ही मिलता है। तो ये जो पांच राशियां हम बताने जा रहे हैं, इनको सबसे अधिक फायदा प्राप्त होगा। इन पांच राशि में सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह चंद्रग्रहण अत्यंत शुभ साबित होगा। नौकरी, व्यापार में और अन्य कार्यों में विभिन्न प्रयासों से इनको सफलता की प्राप्ति होगी, उच्च सफलता इनको प्राप्त होगी। धन लाभ के साथ साथ रिश्तों में मजबूती आएगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। यदि आपका विवाह अभी तक नहीं हो पाया है तो विवाह का योग बन सकता है। यदि आप व्यापार में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के आपको धन लाभ होगा और रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक समृद्धि का योग बनेगा। उसके बाद दूसरी और अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो व्यक्ति है उनके लिए यह चंद्र ग्रहण धन लाभ देने वाला होगा। यदि शेयर मार्केट या लॉटरी में वो काम करते हैं तो वहां से उनको अचानक धन की प्राप्ति होगी। व्यापार व्यवसाय से प्रचुर मात्रा में, आश्चर्यजनक तरीके से, अदृश्य तरीके से, रहस्यमय तरीके से, गुप्त तरीके से उनको धन लाभ का योग बन रहा है। व्यापार में सतर्कता से उनको काम लेना होगा। यह भी सही है कि दोगुना लाभ होगा। नौकरी में तरक्की होगी और नौकरी यदि करते हैं तो वहां पर उनकी आमदनी बढ़ सकती है, पदोन्नति हो सकती है, सैलरी बढ़ सकती है। इसके बाद अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए ये जो चंद्र ग्रहण है वो सुख देने वाला होगा। इस चंद्र ग्रहण के कारण आपको कुछ शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि आप अपने व्यवहार में बहुत ही जो है विनम्रता रखें, किसी भी प्रकार से अपने व्यवहार में कड़वापन या बहुत ज्यादा कठोरता न आने दें। सौम्यता, मधुरता आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। भूमि भवन संबंधी कार्य आपके पूरे होंगे। जिस कार्य की प्रतीक्षा आप बहुत दिनों से कर रहे हैं वह आपकी पूर्ण हो जाएगी, आपकी सराहना होगी। संतान संबंधी चिंता आपको यदि है तो वो भी दूर हो जाएगी। विवाद समाप्त होंगे। दान पुण्य से आपको फायदा होगा। नौकरी और व्यापार में आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफलता प्राप्त करेंगे। इसके बाद चौथी राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के जो व्यक्ति है उनके लिए यह ग्रहण बहुत ही अद्भुत सफलता देने वाला सिद्ध होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए प्रतियोगी परीक्षा में अधिक से अधिक सकारात्मक परिणाम उनको देखने को मिलेंगे। कड़ी मेहनत उनको करना पड़ेगी, लेकिन उच्च पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। व्यापार व्यवसाय से उनको लाभ होगा। भूमि भवन वाहन से उनको फायदा होगा। रुका हुआ काम भी उनका पूर्ण हो सकता है। नौकरी में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो वह भी आपको प्राप्त हो जाएगा। नया घर आप खरीद सकते हैं और रिश्तों में मधुरता आएगी। परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है और जिस कार्य की आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं वह भी कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि के व्यक्तियों के लिए धन लाभ का योग यह चंद्रग्रहण बनाने वाला है। वाहन खरीदना चाहते हैं तो उस दृष्टि से यह चंद्रग्रहण अनुकूल रहेगा। नौकरी में, व्यापार में, कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और जो काम बहुत दिनों से आप कर रहे हैं
उसमें सफल होने का समय अब आपके लिए आ चुका है। आपकी आमदनी बढ़ सकती है और आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। पैतृक संपत्ति से किसी बुजुर्ग व्यक्ति की संपत्ति से भी आपको फायदा होगा। हालांकि रिश्तों को लेकर के थोड़ा विवादित स्थिति बनी रहेगी। संतान से भी आपको फायदा होगा। जो भी काम आप करेंगे उसमें भी आगे चल करके आपको फायदा ही फायदा प्राप्त होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।